यहाँ हम देख रहे हैं BSc 6 सेमेस्टर फिजिक्स के सेकेंड पेपर का सोल्यूशन, जिसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने बात किया था। अब उसके आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात नोट कर लो, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर हमको फिलहाल तक नहीं मिला है, ठीक है। तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको उनका आंसर पता हो तो बता दीजिएगा, हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, रिलेशन निकालना था। देखो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला है, ठीक है। 30 क्या है, द फिल्टर सर्किट यूज इन पावर सप्लाई इज मोस्टली शंट कैपेसिटर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। 31 क्या है हमारे पास, NSCR कंसिस्ट ऑफ, SCR के अंदर क्या होता है, 4 लेयर और 3 टर्मिनल, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ SCR, तो जो आपका गेट होता है वो क्या, SCR का कंट्रोल टर्मिनल होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है। 33 क्या है, SCR इज यूज, तो SCR किस तरह यूज होता है, रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, एज ए रेक्टिफायर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड वाला, ठीक है। 34 की बात करते हैं, एंड UJT है, UJT के अंदर एक PN जंक्शन होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। 35 के हमारे पास, यूज ऑफ UJT का यूज, मतलब लाइक है ऑसिलेटर होता है, ठीक है। 35 का करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। फॉर अ UJT जो आपका ये वैल्यू दिया है, RBB का 10 kΩ और RB का 4 kΩ, द इंटरवल स्टैंड ऑफ रिजल्ट विल बी, वो कितना होगा हमारे पास, 2.5 होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है। 37 के हमारे पास, UJT इज कॉल्ड, UJT क्या कहा जाता है, 2-base diode कहा जाता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। 38 के हमारे पास, डायोड वर्क इन पावर सप्लाई डायरेक्शन, ठीक है, जो आपका डायोड होता है वो पावर सप्लाई के डायरेक्शन में काम करता है। 39 के हमारे पास, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ गुड पावर सप्लाई शुड बी, वो कितना होना चाहिए, 10%, ठीक है, कि सॉरी 100%, 39 का पहला हो गया, ठीक है। 39 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, द लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोलियन अलजेब्रा वो कितना होता है, 2 होता है, 0 और 1 दो नंबर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वाला। 41 क्या है हमारे पास, इन बोलियन अलजेब्रा द ड्यूअल ऑफ a.1=1 इज, वो कितना होगा, a.0=0 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है हमारे पास, 42 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, a.b(a'+b') ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 42 हो गया। 43 बात करते हैं, द रूल a.a+b = a इन बूलियन अलजेब्रा वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन रूल कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 44 क्या है, द नंबर ऑफ मिनिमल बोलियन फंक्शन विथ n वेरिएबल वो कितने के बराबर होता है, वो 2 के पावर 2n होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के रखा है, ठीक है। आप देखोगे बुक में तो लिखा हुआ है 2, इसका फॉर्मूला जो होता है 2 के पावर 2n होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आंसर ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है, इसलिए फिलहाल इसको छोड़ के रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया। 45 की बात करते हैं, द कम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, ठीक है, तो कम्प्लीमेंट फंक्शन निकालना है, कैलकुलेट करोगे ये वाला मिल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पूछ क्या रहा है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 173 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इनमें से कोई भी आंसर मैच ही नहीं करने वाला, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 1111011 (2), लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, आपको यही मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट में डाल देते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन चेक करता है, ठीक है। 46 हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया। 48 की बात करते हैं, ठीक है। 47 छोड़ के रखा है, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 14 इज रिप्रेजेंटेड बाई ई, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला। 49 क्या है, कन्वर्ट 245(10) इनटू ऑक्टल नंबर, ठीक है, तो 49 का कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, 365(8), ठीक है। 50 क्या है हमारे पास, कन्वर्ट 2 5 6 4 10 इन हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, AO4 16। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, कन्वर्ट ABCD 16 टू डेसिमल नंबर, 51 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, 4 3 9 8 1 10, ठीक है। फिर क्या है, 53 हमारे पास, कन्वर्ट बाइनरी 1 to 112 ग्रे कोड, ठीक है, तो 53 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, 1110। 54 क्या है, कन्वर्ट ग्रे कोड 1011 to binary number, ठीक है, तो 54 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, 1101, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
55, व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1001? 55 का राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा 11, ठीक है. फिर क्या है 656 का, द ई बी सी डी आई सी कोड इज अ, 56 का राइट ऑप्शन थर्ड है, 8 बीट कोड होता है, ठीक है. 57 क्या है, ए एस सी आई आई कोड इज अ, 57 का वो क्या हो जाएगा सेकेंड वाला, 7 बीट कोड होता है, ठीक है. फिर क्या 58 हमारे पास, वाइंड द सम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 1010 एंड 10011, ठीक है. इसका सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1101 मिलेगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 58 का सेकेंड वाला, ठीक है. फिर क्या 59 है हमारे पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1110011 और डॉट लगा, सॉरी माइनस लगा है, और ये जो आगे लिखा हुआ है 3001001, ठीक है. तो इसका जब आप क्या करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1101001, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा थर्ड वाला, ठीक है. 60 की बात करते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1012 बाई 1112, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 10011 ब्रैकेट 2 मिलेगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला है, ठीक है. 61 क्या है, व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1011, तो क्या होगा 61 का थर्ड वाला 11. 62 क्या है, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन ओ आर गेट कितना होता है, वो 62 की बात चल रही है ना, तो वो थर्ड होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ठीक है. 63 की बात करते हैं, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ई एक्स ओ आर गेट कितना होता है, वो आपका ए प्लस बी इक्वल टू वाई, मतलब सेकेंड वाला हो जाए, सेकेंड वाला जो आपका प्लस सर्कल के अंदर है ना, वो वाला ऑप्शन होगा. 63 हो गया. अब बात करते हैं 64 के बारे में, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ एन एडर इज वन फुल एडर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा. 65 क्या है, लॉजिक गेट, जो लॉजिक गेट क्या है वो कौन सा है, नंद गेट है, यानी एनडीटी, थर्ड वाला हो जाएगा. 66 क्या है, द गेट, ये जो आपका सर्किट दे रखा है वो कौन सा क्या बोलता रिप्रेजेंट करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट करता है. 66 का करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है.